Hello friends, welcome back to the Core Chemical Engineering. So this tutorial includes heat transfer short notes for quick revision purpose prior to gate exam. तो इस वीडियो में मैंने हीट ट्रांसफ़र के शॉर्ट नोट्स इंक्लूड किए हैं और कोशिश किया है कि सारा हीट ट्रांसफ़र इस वीडियो में कंप्लीट कर सकूं। 1 से लेके 52 पॉइंट्स मैंने कवर किया हीट ट्रांसफ़र के, जिसमें आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा हीट ट्रांसफ़र एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा ये वीडियो को मैं 1/2 आवर टू 1 आवर के बीच में कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पढ़ना है, एज ए ग्लैंस देखना है आपको, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं और जाने का। ईजिली आपको समझ में आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें सारे कवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर मेकिंग दैट, क्योंकि मुझे 1/2 आवर 1 आवर के बीच में कंप्लीट करना है। तो सारे पॉइंट्स 1 to 52 पॉइंट्स है, इसको कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। डिटेल्स ईच एंड एवरी टॉपिक मैं बाद में अपने फर्दर वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा। तो जस्ट ओवरव्यू और क्विक रिविजन पर्पज से है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हेयर, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू डी वी रो बाय म्यू। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नसेट नंबर, नसेट नंबर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इन फ्लूइड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन इन फ्लूइड। तो इट इज बेसिकली इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। देन यू कैन सी हेयर नसेट नंबर फार्मूला, इफ यू डराइव इज एच एल बाय के इज इक्वल टू एच एक्स, इन अनदर फॉर्म इफ यू राइट एच एक्स बाय के इज इक्वल टू एच डी बाय के, एक्स डी ऑल आर डायमेंशंस ऑफ लेंथ डायमीटर एंड ऑल। सो देयर आर टू केसेस आई हैव डराइव्ड हेयर। फर्स्ट केस इज वन नसेट नंबर इज ग्रेटर देन वन, एंड द सेकेंड केस वन नसेट नंबर इज लेस देन वन। सो वॉट विल हैपन इन बोथ द केसेज, इफ नसेट नंबर इज ग्रेटर देन वन देन रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इज हायर। रेजिस्टेंस कंडक्शन का हायर हुआ मतलब क्या, कन्वेक्शन का ही ट्रांसफर ज़्यादा होगा, सिंपल सा फंडा है। नाउ द सेकेंड केस वन नसेट नंबर इज ग्रेटर देन वन, मतलब क्या हुआ, नसेट नंबर ग्रेटर देन वन के केस का जो ये पॉइंट है, मूविंग फ्लूइड रिजल्ट्स इन मोर हीट ट्रांसफर, मतलब कन्वेक्शन का क्या होगा में ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। स्टेशनरी रेजिस्टेंस इज हायर, मतलब स्टेशनरी रेजिस्टेंस हायर है, लाइक वाइस वर्सा यू कैन से। नाउ द सेकेंड केस वन नसेट नंबर इज लेस देन वन देन मूविंग फ्लूइड रिजल्ट्स इन लेस हीट ट्रांसफर। तो मतलब क्या हुआ, मूविंग रेजिस्टेंस विल हैव अ हायर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कंडक्शन हीट ट्रांसफर विल बी मोर। सो नसेट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर। सो यू सी दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट में एक बार इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, आपको डेल्टा टी, ये डेल्टा टी और डेल्टा डी वाई दे दिया था, आपको कैलकुलेट करना था लिमिट लगा के। तो बेसिकली जो आंसर आएगा एन यू इक्वल टू डेल्टा टी बाई एल, इस फार्मूला का यूज़ करके आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना था। सो दिस इज नसेट नंबर। नाउ बायोट नंबर, वट इज बायोट नंबर, बायोट नंबर इज इक्वल टू इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन डिवाइड बाई एक्सटर्नल थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन। यू कैन से इन अदर वे कंडक्टिव हीट, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। सो दिस इज द बायोट नंबर। फॉर लम्ब्ड हीट कैपेसिटी मॉडल बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.01। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रांटल नंबर। तो प्रांटल नंबर इज इक्वल टू डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो हेयर इज द फार्मूला ऑफ प्रांटल नंबर, न्यू बाई अल्फा। न्यू क्या है, डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, अल्फा। सो इफ यू राइट अनदर टर्म सी पी म्यू बाई के इज ऑल्सो डिराइव्ड इन अनदर टर्म एच बी एल बाई टी बी एल। एच बी एल की हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेवल, बाउंड्री लेयर, एंड टी बी एल इज थर्मो डायनेमिक बाउंड्री लेयर। सो यू कैन सी हेयर पॉइंट्स, प्रांटल नंबर इन हीट ट्रांसफर इज एनालॉगस टू स्मिथ नंबर इन मास ट्रांसफर। कीप इन माइंड डायरेक्टली, समटाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, दिस एनालॉजी। नाउ हेयर यू कैन सी हीट ट्रांसफर इन लिक्विड, लिक्विड मेटल साइज प्रांटल नंबर इज इन द राउंड फिगर ऑफ 0.01। रिमेंबर दिस, समटाइम्स दे आस्क गिव दिस नंबर एंड दे आस्क द सोडियम और पोटेशियम प्रांटल नंबर इज इक्वल टू, सो दिस इज द रेंज फॉर दैट। इन दिस केस टी वी एल विल बी हायर देन एच बी एल ऑब्वियसली। लिक्विड एच जी एन ए के, मिक्स ऑफ एन ए के, मतलब ये सब एग्जाम्पल है उसके लिक्विड मेटल्स के। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पेकलेट नंबर।
Peclet number is equal to heat transfer by convection divided by heat transfer by convection. So this is the formula for that one. Reynolds number into Prandtl number is defined as the Peclet number. Now Gret number. Gret number is equal to Peclet number into dW by L. In other time, if we write HT by conduction divided by HT by conduction in the multiply of dW by L. So this is the Gret number. This number related only for the heat flow to the fluid through circular pipes. Now coming to the Stanton number. Stanton number is equal to wall heat transfer divided by heat transfer by convection. So this is the formula, divide Nusselt number divided by Peclet number, you will get the formula H by Cp into G. This is the mass velocity. Stanton number is equal to F by 2. This is the Reynolds analogy. Always remember this formula. Sometimes 1 marks question they ask from this. Now the 7th point. हमें 52 पॉइंट्स तक कवर करना, अभी 7th पॉइंट पर पहुंचे हैं. तो ग्रेशॉफ नंबर इज इक्वल टू जी वी डेल्टा टी एक्स क्यूब रो एफ स्क्वायर बाय म्यू एफ स्क्वायर. इन अनदर टर्म इफ यू राइट इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स इनटू बॉयंसी फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स स्क्वायर. सो दिस इज द ग्रेशॉफ नंबर वेयर लाइक डायमेंशंस आर गिवन हियर. एक्स कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टी एफ इक्वल टू टी डब्ल्यू इंटू टी इन्फिनिटी बाय टू. एवरेज टेम्परेचर यू कैन से. And beta is equal to 1 by V divided by dou V by dou T at constant pressure. For gases, beta would be 1 by Tf, and for liquids, it would be like rho 1 minus rho 2 divided by rho average divided by delta T. So, now the next 8th, viscosity correction factor. So, viscosity correction factor, if you see viscosity of fluid at a bulk temperature divided by viscosity of fluid at wall temperature. Now, 9th point, dimensionless number, Fourier number. So Fourier number is defined as rate of heat transfer across length in volume divided by rate of heat storage in volume. Now 10th is Rayleigh's number. Rayleigh's number is equal to Grashof number into Prandtl number. So it turns out that in natural convection the Nusselt number scales with the Rayleigh's number rather than just Grashof number. So this is the correlation nu equal to C constant Ra divided by N. Now the 11th point is Smith number. Smith record nu by d, nu is defined as mu by rho d, viscous diffusion rate divided by molecular diffusion rate. This is analogous to Prandtl number, earlier I said already. So this number, it is used to characterize fluid flow to which there are simultaneous momentum and mass transfer, mass diffusion convection process takes place. तो मतलब दोनों जहाँ पे होता है मोमेंटम और मास ट्रांसफर का, वहाँ पे स्मिथ नंबर आता है. लुईस नंबर इज डिवाइड स्मिथ नंबर डिवाइड बाय प्रांटल नंबर. सो इज इक्वल टू अल्फा बाय डी ए वी. सो लुईस नंबर कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन देर इज साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर. सो 13 दिस 13 आर द डायमेंशनलेस नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर यू कैन सी हियर, आई हैव शोन हियर. नाउ नेक्स्ट I'll discuss 14 from 15th. I'll discuss 14th point. I'll cover mode of heat transfer, conduction, convection, and radiation. So formula of all these are given here. You can see. Now the 14th point is Fourier law of heat conduction. So you can see here, in the Fourier law of heat conduction, heat flux is proportional to the temperature gradient. So you can see Q by A is the heat flux. Is proportional, you can see, is proportional to the dT by dx, and proportional constant is here K. So this is the Fourier's law of heat conduction, where K is the physical property of the substance only, and K unit of K is given here W by mK. This K is Kelvin temperature. This thermal conductivity K value has been given for solid, liquid and gas. You can see here, for the solid it is greater than liquid and liquid is greater than gas. So sequence of material of decreasing thermal conductivity, you can see here, pure metal, metal alloy, non-metallic crystalline amorphous substance, liquid, amorphous substance, liquid, gases. Now conductivity of most of liquid decreases with increasing in temperature except water. So remember this. Now the 16th point is equation for general conduction. Del square T plus Q dot by K is equal to 1 by alpha dou T by dT.
where del square double derivative of temperature Q is the heat generation energy generated within the unit volume, alpha is thermal diffusivity, dou T by dt is the temperature variation with respect to the time, and where alpha is the K by rho Cp, this is the thermal diffusivity, and the unit of alpha meter square by second. Remember this meter square by second, sometimes they directly ask the unit of alpha also. So if you write in another term, derive this one double derivatives in the all three dimensions, you will get this formula. Now we'll move to the cases. We'll take four cases of this one. We'll derive four cases from this general heat conduction equation. Now the first case, when Q dot is equal to zero, means when heat generation is zero in the unit volume. So the portion zero ho jayega, to kya ho gaya? del square t is equal to 1 by alpha dou t by dt. Steady state case hai, to dou t by dt is also is equal to 0 ho jayega. So total del square t is equal to 0 aa jayega, because we have taken steady state heat conduction. Now the second is steady state heat conduction with Q dot is equal to not 0. In that case, this term will come, del square t plus Q dot k is equal to 0. The temperature variation with respect to the time will be 0 steady state. Now the third point, steady state two dimensional heat conduction with Q dot is equal to 0. For two dimension, we neglect the z dimension. So it will be del dou square t by dx square plus dou square t by dy square equal to 0. Now the steady state one dimensional heat conduction with Q dot is equal to 0. Abhi kya one dimensional ho gaya, Q dot 0 hai, steady state ye bhi 0. एंड वन डायमेंशनल है, तो जेड और एक्स का डायरेक्शन में जीरो हो गया, तो डो स्क्वायर टी बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहाँ पे. सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इट कम्स इक्वल टू माइनस क्यू बाय के. सो एक्चुअली इफ यू सी क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स विल कम, दिस इज द एक्चुअली फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इन अ सिंगल यू नो वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडीशन. नाउ द tenth point, flow of heat through wall. So this is the formula you can derive, Q is equal to minus K dT by dx. If you derive this one, you will get this formula. Now flow of heat through composite wall. For composite wall, if you want to calculate flow of heat, then delta T total temperature across the wall divided by total resistance across each wall, sum of total resistance. So delta Q is equal to delta T divided by R A plus R B plus R C. So here you can see R A क्या होगा, इसका आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, R B ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और R C ये रेजिस्टेंस हो जाएगा. Now one more thing, important thing in this concept is the heat flow entering the left face must be equal to the heat flow leaving the right surface. So this formula will come, it will help in calculating the interface temperature across the wall. Based on this question, many, like every year approx, these questions come based on this concept. When K varies with the temperature, so if you K क्या आपका thermal conductivity, जो कि Q is equal to minus K dT by dx, में अगर K vary करता temperature के साथ, earlier we have taken K as a constant. If you put this value and derive, then you will get formula this, Q is equal to delta T by RA. RA मतलब आपका resistance हो गया, where K is K average, and K average you will get K average equal to A plus B by 2 in bracket T1 plus T2. If you derive this, you will get this formula. Now, for steady state heat flow and the linear variations of thermal conductivity with temperature, the temperature profile across the thickness of a plane wall is parabolic. तो जब आपका profile आएगा, वो क्या आएगा? Parabolic आएगा. अगर हम ये वाला केस लेते हैं. Now interface temperature and temperature profile in slab. So if you take if you want to calculate the interface temperature between, if you take T, then it will get, you will get this value T1 minus T2 divided by this total length into X. So this is the actually by this formula you can calculate T, you can derive this formula also easily. Straight line with slope, so this is the slope and T1 is the intercept. You can see yeah, slope ho gaya aapka, if you draw a graph with respect to T and X. Now 18th point, for two concentric cylinders, this is the formula for calculating the Q.
T1 minus T3, T1 internal T3 outer temperature. So this is the ln R2 by R1 upon 2 pi K1L plus ln R2 by R1 here 2 pi K2 into L. Sorry, R3 by R2 here. Now the second, you can see if three walls are there and even your convection also taking place at the same time, then T1 minus T3 divided by convection resistance and then conduction resistance in the cylinders. This is for the first cylinder, this one is for second cylinder resistance, and this one is for the outside the cylinder resistance. So you will get this formula, and A1 A2 you can see here we have calculated given this value. Now 19th point, critical thickness of insulation for cylinder. If you want to calculate the critical thickness of insulation for the cylinder, then you take the formula. This we know the formula for this one, whatever the cylinder, like 2 layer 3 layer is there, accordingly you can write this formula and then you can calculate. You differentiate dq is equal to dr3 because at the last radius kya hai r लास्ट वाला इंसुलेशन का है, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा आर सी इज इक्वल टू के टू बाई एच नाट. तो K2 जो इसका थर्मल कंडक्टिविटी है और एच नाट आउटर साइड का जो कन्वेक्शन है, इन दोनों का रेशियो आप करेंगे तो आपका क्रिटिकल रेडियस आ जाएगा एट विच मैक्सिमम हीट लॉस विल टेक प्लेस. वॉट विल हैपन इफ आर इज ग्रेटर देन आर सी, हीट इफ आर योर रेडियस विल ग्रेटर लेस देन आर सी, heat transfer will increase by adding more insulation. If R is greater than RC, then increase in insulation will decrease in heat transfer. Now 20th point, heat flow through a hollow sphere. So this is the formula. You can, if you put area is equal to 4 pi R square and integrate it, then you will get this formula. Q is equal to T1 minus T2 divided by 1 pi 4K into 1 by R1 minus 1 by R2 in bracket is equal to, well, in other time delta T by R. R is the resistance, this is the total resistance. Now for this sphere also, critical thickness of insulation for a sphere, if you derive, you will find RC is equal to 2 KC by H naught. Here it was KC, you can see K by H naught, here KC by H naught. So here it is 2 times. Now 22 कंडक्शन विथ हीट जनरेशन. अभी हमने 52 तक जाना है. तो एट स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल इंटरनल हीट जनरेशन के लिए फार्मूला हमने देखा था, वहाँ जो थ्री डायमेंशनल फार्मूला में देखा था, वन डायमेंशन में अगर रखेंगे तो डो स्क्वायर टी बाई डी स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाई के इफ़ यू पुट द बाउंड्री लेयर कंडीशन. दिस इज द डायग्राम, हेयर यू कैन सी. देन इफ यू पुट द boundary layer condition, those you will find this temperature variation relation with respect to the x. It's easy only, you can see in the derivation. If you try to derive, you will get this. Now cases has been derived from this. When TS1 and TS2 both outer side temperature is equal to TW, then your temperature profile will come like this. And when maximum T naught occurs at x equal to 0, if you put x equal to 0, maximum temperature will come. मतलब ये x equal to 0 हमने यहाँ पे लिया, तो अगर इस वाले पे अगर दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर करेगा. तो x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो T naught का वैल्यू ये आ जाएगा आपका, और ये वैल्यू इसमें अगर हम पुट करेंगे देन विल गेट दिस फार्मूला, दिस सिंपल रिलेशन TX माइनस T naught डिवाइडेड बाई TW माइनस T naught इज इक्वल टू X बाई L स्क्वायर. तो ऑल दिस यू नो TS1 TS2 एंड दिस कंडीशंस आर गिवन हियर. TW, T naught क्या मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे पहले दिखा दिया, तो विल गेट टू नो. नाउ द 23rd पॉइंट फॉर हीट जनरेशन इन अ प्लेन वॉल. 4 केसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं. केस 1, 2, 3, 4. व्हेन बोथ साइड्स आर ओपन एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आपका जो प्रोफाइल आएगा ऐसा आएगा. सेकेंड केस, वन बोथ साइड्स आर ओपन बट T1 इज इक्वल टू T2, तो आपका प्रोफाइल ऐसा आएगा ऊपर वाला जो हमने देखा है केस इस रिस्पेक्ट में प्लेन वॉल के लिए. थर्ड, वन लेफ्ट साइड इज इंसुलेटेड. इंसुलेटेड मतलब टेम्परेचर का फ्लो वहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा आपका, टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 होगा, इंसुलेटेड है. तो देख लो आप यहाँ पे T2 by dx 0 कर दिया गया है. वन राइट फेस इज इंसुलेटेड, dT/dx इज इक्वल टू 0 यहाँ हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पर मिलेगा हमें.
Now for heat consumption in plain valve, तो यहाँ हीट कंजम्पशन है, सिंपल सा फॉर्मूला Q को माइनस Q से यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, Q को माइनस Q से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसा बन जाएगा, T इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पैराबोलिक नेचर, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो इसमें भी चार केसेस हैं, लेफ्ट साइड इंसुलेटेड होगा तो क्या होगा, हीट कंजम्पशन हो रहा है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट साइड इंसुलेटेड है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, नो इंसुलेशन है तो ऑब्वियसली दिस बनेगा, क्योंकि हीट क्या होता है कंज्यूम हो रहा है, और केस फोर्थ वन T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा तो ऑब्वियसली इस साइड में टेम्परेचर प्रोफाइल मूव करेगा। सो दिस फोर आर द केसेस व्हेन हीट कंजप्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्लेन वॉल। 25th पॉइंट, अनस्टेडी हीट कंडक्शन, lumped heat capacity model, this one is very very important. In this model two assumptions has been taken place, जो आपका outer surrounding temperature होगा T naught, मतलब surrounding का temperature with respect to the object वो constant होगा हमेशा, and the second point is internal resistance in the small object, जो object ये होगा हम ले रहे हैं small सा, वो क्या होगा internal resistance इसका zero होगा, मतलब temperature variation with respect to this distance का dia या length जो भी लो इसका क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा, इस फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा। सो इफ़ यू डिराइव दिस देन विल गेट दिस वेरिएशन, टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, टी नॉट हमारा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो गया, टी इन्फिनिटी अपना जब हम उसमें लंप कर दें सराउंडिंग में, टी इन्फिनिटी अपना सराउंडिंग हो गया, टी एट अ पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पर हम निकाल रहे हैं उस टाइम का हो गया, और ई टू पावर माइनस टी बाई टाओ, टाओ तो आपको जानते हैं MCP बाई HA टाइम कॉन्स्टेंट है। सो इसमें दिस मॉडल विल बी एप्लीकेबल वन बॉयट नंबर इज लेस देन 0.01 देन लेफ्ट हीट कैपेसिटी इज एप्लीकेबल। तो ये दिमाग में रखने का सबसे पहले हमें यही कैलकुलेट करना है बॉयट नंबर लेस देन 0.1 है या नहीं है, पहले पता चल हम सवाल लगाने लगे और बॉयट नंबर इससे ज़्यादा हो गया और हमने मॉडल लगा लिया तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका गलत हो गया। नाउ मूव टू द 26 सेमी इन्फाइनाइट बॉडीज, उस केस में ये आपका फार्मूला दिया हुआ इन दैट क्यू डॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, जनरेशन हम लोग नहीं ले रहे हैं तो ये जीरो हो गया, वन डो स्क्वायर टी बाय डो स्क्वायर इक्वल टू वन बाय अल्फा डो टी बाई डी टी, टेम्परेचर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव कंसीडर्ड हेयर, बाउंड्री द बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस ये दिया है हमारा, उसके हिसाब से अगर हम इसको डेराइव करेंगे यू गो इन द JP हॉलमैन बुक विल फाइंड दिस डेरिवेशन। सो दिस विल द फार्मूला टी एक्स एक्स कॉमा टाओ इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी इनिशियल टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एरर फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू इंटू रूट ऑफ अल्फा इंटू टाओ, अल्फा इज थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो एरर फंक्शन का फार्मूला यहाँ पे ये दे दिया गया है और जेड इज रिटर्न इन द इन दिस फॉर्म। नाउ 27th पॉइंट इज पेनीट्रेशन डिस्टेंस, तो वाट इज द पेनीट्रेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट सर्फेस एट विच द टेम्परेचर चेंज इज ओनली 1% ऑफ इनिशियल चेंज, तो टी एस माइनस टी डिवाइड बाई टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0.99। सो इफ यू सीन द ग्राफ यू विल फाइंड दिस वैल्यू देन XP दैट पेनीट्रेशन डिस्टेंस यू विल फाइंड XP इज इक्वल टू 3.64 इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा टी। ये जस्ट ओवरव्यू है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला इसमें, तो आपको अगर समझ में नहीं आता कहीं कहीं पेनिट्रेशन डिस्टेंस ये सब क्या है, आप बुक में बैक जा सकते हो और ऑल्स हमारे वीडियोस में कमेंट कर देना, आई पुट द वीडियो फॉर दैट टू। ये क्विक रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आपको सारा एक बार कवर हो जाए पूरा हीट ट्रांसफ़र हाफ एन आवर वन आवर के अंदर, सो आई नीड टू गो फास्ट फॉर दैट। नाउ इन केस ऑफ सेमी इन्फिनाइट बॉडी द हीट फ्लक्स एट द सर्फेस एक्स इक्वल टू जीरो प्रोपोर्शनल टू टी द पावर माइनस हाफ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे एक बार ग्रेड पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेमी इन्फिनाइट बॉडी द हीट फ्लक्स एट द सर्फेस एक्स इक्वल टू अगर जीरो होगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो क्यू बाई ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/3 टू द पावर 1/2। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ए डेरिवेशन आप खुद से ड्राइव कर लीजिएगा। नाउ 26 पॉइंट इज सेमी इन्फिनाइट बॉडीज, सो दिस वन इज द सेम, या सेम, दिस वन वॉज द ब्लड आई कॉपी आई गेस, दिस वन इज द सेम हियर यू कैन सी इफ दैट वॉज नॉट विजिबल देयर।
you can pause and see. Now 28th point, heat exchanger. Heat exchanger में क्या है, सिंपल सा फंडा होता है आपका जो इंथैल्पी कूलिंग साइड का, हॉट साइड का और क्या कूलिंग साइड का सेम, जितना लॉस होगा उतना गेन होगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर. एम एच एम डॉट एच इक्वल टू सी पी एच टी एच ए माइनस टी एच बी इज इक्वल टू एम सी पी सी टी सी बी माइनस टी सी ए इज इक्वल टू की. दिस इज द टोटल इंथैल्पी. सो इन दिस केस फर्स्ट केस इज इफ स्टीम इज यूज एज ए फ्लूइड विच इज कंडेंसिंग. अगर स्टीम कंडेंस हो रहा है मतलब हॉट क्या है चीज़ हमारा स्टीम हो गया तो टेम्परेचर तो उसका हायर होगा तो वो कॉन्स्टेंट कंडेंस हो रहा तो क्या लेटेंट हीट ये लूज करेगा तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा और जो दूसरा है वो टेम्परेचर गेन करेगा तो ऐसा प्रोफाइल आपका आ जाएगा. तो वी कैन डू द हीट बैलेंस लाइक दिस एम डॉट एच इंटू लेमडा इक्वल टू एम सी टी सी टी सी बी माइनस टी सी ए. इन केस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम यू विल गेट दिस स्टीम. पहले सुपर हीटेड में क्या ये टेम्परेचर लूज करेगा देन कॉन्स्टेंट हो जाएगा वंस स्टार्ट इट कंडेंसिंग. दूसरा वाला कंटिन्यूअस इट विल गेन द टेम्परेचर. सो दिस इज द रिलेशन फॉर दैट. दिस इज द सुपर हीटेड क्या है आपका सुपर हीटेड सेंसिबल हीट क्या है लूज करेगा सुपर हीटेड टू पहले अपना कंडेंसिंग पॉइंट पे आएगा. कंडेंसिंग पॉइंट के बाद ये अपना लेटेंट हीट लूज करेगा और कूल्ड वाला क्या डायरेक्ट अपना सेंसिबल हीट उसका इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा. नाउ LMTD कॉन्सेप्ट कम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस. सो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 डिवाइड बाय LN डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1. तो डेल्टा T2 यहाँ पे क्या है कोई फ्लूड है सपोज ये हॉट फ्लूड है या कोल्ड फ्लूड है तो इस साइड का टेम्परेचर डिफरेंस इस साइड का टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम इस फार्मूला में ऐसा पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा LMTD वैल्यू आ जाएगा. तो दिस इज द एवरेज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस एंड ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर. तो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं कैलकुलेशन हीट एक्सचेंजर डिजाइन में. DQ एंड DT आर इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ एरिया. DQ बाई DT इज इक्वल टू क्यू यू ए वेयर यू आई ए आई इज इक्वल टू यू ए एंड अगर ये कॉन्स्टेंट हुआ तो हमें. नाउ 30th इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट. तो ये वॉल हमने ले लिया है अक्रॉस द वॉल. सो इफ यू राइट ओवरऑल दिस 1/UA इज व्हाट इज एक्चुअली ओवरऑल रेजिस्टेंस. तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पहले क्या हो जाएगा ये लेयर यहाँ पे दिखाया गया है 1/HIAI प्लस XW/KW इंटू AW. ये क्या है आपका एक्चुअली इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा प्लस इधर जो रेजिस्टेंस आएगा ये तीनों का सम करने के बाद ये टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा. सिमिलरली इफ ए इक्वल टू AO एंड U इज इक्वल टू EU राइट. इफ यू राइट देन A इज इक्वल टू AO आउटर मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट मिलेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा. एंड फॉलोइंग फैक्टर वी हेयर फॉलोइंग फैक्टर हैज़ बिन कंसिडर 1/HD प्लस ए. तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू रख सकते हैं ये रखने के बाद हमारा ये वाला तो यही फार्मूला हो गया. ये आर कंडक्शन यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये कन्वेक्शन का हो गया ये मतलब आउटर रिस्पेक्ट में हो गया. उसके बाद यहाँ पे डर्ट वाला फैक्टर हम ले लेंगे यहाँ पे तो 1/HD इंटू ए ये डर्ट फैक्टर दिया तो दोनों का रिस्पेक्ट हमने दोनों की रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा. जब भी एक की रिस्पेक्ट में निक आउटर या इनर की रिस्पेक्ट में लिखना है उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला पुट करना होगा. तो इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप तो सिंपल वही हो जाएगा कन्वेक्शन का तो सेम ही रहेगा जो आपका कंडक्शन पार्ट हो जाएगा 1 ये कंडक्शन वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा. ये इनसाइड एरिया के रिस्पेक्ट में लिखा है ये आउटसाइड एरिया के रिस्पेक्ट में लिखा है. इफ़ A1 इक्वल टू AL A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू AL तो वो रखने के बाद ये आपका फार्मूला आ जाएगा. फॉलोइंग फैक्टर इन दैट केस RD इक्वल टू 1/U30 माइनस 1/UClean. U इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट. व्हेन RD ग्रेटर देन RD अलाउड अपैरेटस नो लॉन्गर डिलीवर्स ए क्वांटिटी ऑफ हीट टू द प्रोसेस रिक्वायरमेंट. RD डिपॉजिट अगर RD दैट फैक्टर डिपॉजिट इज ग्रेटर देन RD अलाउड जितना अलाउड होता है मतलब बहुत कम अलाउड होता है और वो ज़्यादा आ गया कैलकुलेशन करने के बाद तो एक्चुअली में मतलब हमें प्लांट को शट डाउन लेना पड़ेगा हीट एक्सचेंजर को क्लीन करें उसके अक्रॉस बहुत ज़्यादा फॉलिंग हो जाएगा. तो जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा हमारा हीट मतलब लॉस हो या मतलब हीट हमारा ट्रांसफ़र हो उतना नहीं हो पाएगा. तो उस केस में क्या फिर से क्लीन करना पड़ेगा ट्यूब बंडल एंड ऑल. 31 कॉन्टैक्टिंग पैटर्न. तो दिस इज द कॉन्टैक्टिंग पैटर्न फॉर वेपराइजर. को करंट के लिए ऐसा होगा काउंटर करंट के लिए ऐसा होगा. को करंट कंडेंसर के केस में ये को करंट का हो गया और ये काउंटर करंट का हो गया.
यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, ऐसा ग्राफ दिया हुआ था कहीं कहीं, ऐसा करके ऐसा स्टेट दे दिया था उस केस में, ऑलवेज रिमेंबर अगर कंपोजिट वाला तो टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ स्मूथ आएगा, dT by dx 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इंसुलेटेड केस हो जाए, इंसुलेटेड केस आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ स्लोप हमेशा रहेगा ऑलवेज रिमेंबर। नाउ टू कैलकुलेट द ट्रू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू एल एम टी डी। एफ टी क्या है? करेक्शन फैक्टर है। यहाँ पे आर और एस को दिखाया गया, आर ग्राफ से टेम्परेचर रेशियो है, ये कैपेसिटी रेशियो है, तो टी वन टी टू एंड टी टू टी वन, ये मतलब आपको वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। वहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपको ए वन टू इज इक्वल टू ए वन वन डिवाइड बाई एफ, ये मतलब एरिया निकाला यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यहाँ ए वन वन के रिस्पेक्ट में। तो एज एफ इंक्रीजेस ए वन टू डिक्रीजेज, आर एफ क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है तो ए वन टू क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। इफ एफ इक्वल टू 0.5 देन ए वन टू, एफ 0.5 हुआ तो ए वन टू आपका क्या आएगा 2AN1, मतलब वन सेल टू ट्यूब पास का केस लिया, वन सेल टू ट्यूब पास लिया उस केस में वो 2AN1 मतलब टू टाइम्स वन ट्यूब वन सेल पास के वन सेल वन ट्यूब पास के रिस्पेक्ट में इसका एरिया डबल होगा। नाउ हीट एक्सचेंजर पिट मिनिमम 1 × 2.5 डायमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम जो पिच होना चाहिए 1.67 × डायमीटर ऑफ ट्यूब। क्लियरेंस जो ट्यूब बंडल के बीच में डिस्टेंस होता है, इट शुड नॉट बी, क्लियरेंस शुड नॉट बी लेस देन 1.4 times डाया ऑफ ट्यूब। ऐसा हो जाएगा तो फ्लूड फ्लो हो ही नहीं पाएगा और वो चोकिंग जैसा केस हो जाएगा, जो हमें डिजायर्ड हमारा टेम्परेचर ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। प्रेशर ड्रॉप ऑन द ट्यूब साइड शुड नॉट बी लेस देन 10 PSI, सॉरी प्रेशर ड्रॉप ऑन द ट्यूब शुड बी 10 PSI से मतलब क्या होता है, कमी होना चाहिए। बेफेल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 0.2 डायमीटर ऑफ सेल टू डायमीटर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सेल, मतलब बेफेल स्पेसिंग इतना होना चाहिए इन दोनों के बीच में। NB+1 इज इक्वल टू LS/LB+TB, तो LB क्या आपका बेफेल स्पेसिंग हो गया, TB थिकनेस ऑफ बेफेल हो गया, LS टोटल लेंथ हो गया वहाँ पे। तो उस केस में NB+1 एक ज़्यादा आएगा, आप मल्टी देखोगे एक्सचेंजर में और डिवाइड करके ऐसा देखोगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ बफल्स कैलकुलेट करने के लिए, कभी कभी गेट में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ विल कम टू द कन्वेक्शन पॉइंट, इन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हैपेंस व्हेन मीडियम मूव्स। सो कन्वेक्शन इज कैटेगराइज, यू कैन सी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कन्वेक्शंस। तो यू सी ये मीडियम, व्हेन मीडियम कन्वेक्शन हैपेंस व्हेन मीडियम इज मूविंग, तो आप यहाँ कैटेगरी देखेंगे, विदाउट फेज फ्लो में आप है लेमिनार एंड टर्बुलेंट केस, विद द फेज फ्लो कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग, एंड व्हेन मीडियम इज मूविंग देन इन अनदर टर्म्स इट हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन। सो विल सी वन बाय वन। तो पहले आता है हम लोग विदाउट फेज फ्लो। तो विदाउट फेज फ्लो में हम देखेंगे हीट ट्रांसफर टू फ्लूड फ्लोइंग अलॉन्ग ए फ्लैट प्लेट। तो यहाँ पे फ्लैट प्लेट के अलॉन्ग फ्लूड फ्लो हो रहा है, उसके अक्रॉस हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे यूज होता है प्रांटल नंबर का यूज देख सकते हैं, HBL/TBL है। तो आप डेराइव करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, तो T-TW/T इन्फिनिटी डिवाइड बाई -TW इज इक्वल टू 3/2y / ∆T। ∆T क्या है? TBL का मतलब आपका थिकनेस है, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का थिकनेस है। y आपका y एक्सिस के अक्रॉस आपका डिस्टेंस है, -1/2y / ∆T टू द पावर 3। फॉर दिस लोकल नसेट नंबर डिफाइंड एज 0.332 रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू द पावर 1/2 प्रांटल नंबर रेज टू द पावर 1/3। नाउ एवरेज नसेट नंबर इज डिफाइंड एज 2 times ऑफ द लोकल नसेट नंबर, सो इज इक्वल टू 0.664 द मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड 2 by दिस विल गेट दिस 0.664 रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/2 इंटू प्रांटल नंबर रेज टू द पावर 1/3। नाउ By using this equation, we can calculate H heat transfer coefficient for laminar flow, and this is applicable only for laminar flow without phase change.
and this equation is valid if it satisfies these conditions. Prandtl number should be greater than 1 for this case. Now for constant heat flux, Nusselt number is equal to 4.364. For constant surface temperature, Nusselt number is equal to 3.66. This is the correlations you can see here. Now we'll see actual velocity profile. यहाँ पे दो cases दिया है. Velocity profile कैसे होगा जब fluid कोई move करेगा pipe के across. तो ये पहला जो case है, liquid inside pipe is getting heated. तो पहला liquid क्या pipe के inside क्या होता है, heat हो रहा है. तो मतलब आपका pipe का temperature ज़्यादा है, तो उस case में आपका ऐसा temperature बने profile बनेगा. ये तो आपका fluid का profile है normal. ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोफाइल हो जाएगा आपका. विस्कोसिटी क्या होगा आपका, ऐसा बढ़ता रहेगा. नाउ गेटिंग कूल्ड में कैसा होगा आपका, ये हो गया टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो उसका प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा. नाउ फॉर टर्बुलेंट केस, हीट ट्रांसफर बाय फोर्स कन्वेक्शन इन टर्बुलेंट फ्लो इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर. तो ये नसर नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रांटल नंबर का फंक्शन हुआ. तो टर्बुलेंट केस में जो हम लोग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, नसर नंबर जो डिफाइंड है इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर 0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर एन. यहाँ से हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं टर्बुलेंट केस के लिए. तो एन का जो वैल्यू आएगा यहाँ, एन इज इक्वल टू 0.4 फॉर फ्लूड इज हीटिंग, एन इज इक्वल टू 0.3 फॉर फ्लूड कूलिंग. फॉर बोथ कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स एंड कॉन्स्टेंट सर्फिस टेम्परेचर, यहाँ पर दोनों केस के लिए सेम ही फार्मूला अप्लीकेबल है, बट लेमिनार केस में अलग अलग था. आपने देखा होगा यहाँ पे ये और ये है. नाउ आफ्टर दिस सैडरटेट इक्वेशन कम. सैडरटेट इक्वेशन सिंपल है, डेटस बोल्टर इक्वेशन ही है, बट उसमें विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर इंक्लूड किया. यहाँ पे आप देख सकते हैं μw टू द पावर रेज टू द पावर 0.14. तो ये कंडीशन तभी, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. प्रांटल नंबर शुड बी इन बिटवीन 0.7 एंड 160, रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10,000 एंड एल बाय ड्यू रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 60. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द गेट एग्जाम इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट फॉर द टर्बुलेंट केस. सो दिस इज द रिलेशन फॉर दैट. एच आई डी, नसर नंबर इज इक्वल टू एच आई डी बाई के, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर टू द जीरो रेज टू द पावर 0.8 इंटू प्रांटल नंबर रेज टू द पावर 1/3. तो ये आपका इक्वेशन आएगा. यहाँ पे आप देखें जो एच आई का रिलेशन है मास वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में 0.8 है, इसका सी पी टू द पावर रेज 1/3 है, एच आई प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर 2/3, एच आई प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी टू द पावर -0.477 एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच आई इज प्रोपोर्शनल टू द डी आई रेज टू द पावर -0.2. तो क्या इसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और वहाँ से आपको सिंपल सा दो नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इसका एच आई का विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर क्या रिलेशन है. तो आपको अगर याद हो तो डायरेक्टली ये सब चीज़ें क्या याद कर लेनी चाहिए एग्जाम से पहले, क्यों वेस्ट करने का डेरिवेशन में टाइम. तो डायरेक्टली आप यहाँ रिलेशन लिख देंगे. ये तीनों क्वेश्चन एक एक बार जरूर, मिनिमम एक टाइम तो ये तीनों रिलेशन एक बार गेट में पूछा गया है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ 34th इज टर्बुलेंट. 0.34 इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय टर्बुलेंट, इट इज एन एनोलॉजी बिटवीन ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एंड हीट. तो यहाँ पे इक्वेशन दिया टाउ इज इक्वल टू म्यू ई वी डी यू बाई डी वाई, टोटल शेयर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट कोर. इन अनदर टर्म इफ यू राइट दिस इज द इक्वेशन. सिमिलरली दिस इज द क्या आपका फ्लूड फ्लो के केस में है, हीट ट्रांसफर के केस में आपका ये रिलेशन आता है क्यू बाय रो सी पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस ई एच डो टी बाई डी वाई. तो ये दोनों क्या है, एनालॉगस एक दूसरे के. ई वी क्या आपका ईडी विस्कोसिटी है, यहाँ पे ई एच क्या है थर्मोडाइनमिक विस्कोसिटी एज्यूम करते हैं, थर्मोडाइनमिक डिफ्यूजिबिलिटी है, और ये ई एच थर्मोडाइनमिक सॉरी हीट ट्रांसफर विस्कोसिटी एज्यूम कर सकते हैं. बट हेयर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई एम और ई एच क्या आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, बट न्यू एंड अल्फा वर फ्लूड प्रॉपर्टीज. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, समटाइम दे ऑल्सो आस्क वन मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. नाउ रेनॉल्ड्स एनालॉजी, रेनॉल्ड्स स्टैंडर्ड नंबर इज इक्वल टू एफ बाई टू, दिस इज बेसिकली वी कॉल इट एज अ रेनॉल्ड्स एनालॉजी. तो एफ इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई 1/2 रो यू स्क्वायर, अपना 35th पॉइंट नंबर है. सो दिस वन इज वैलिड वेन प्रांटल नंबर इज इक्वल टू स्मिथ नंबर इज इक्वल टू 1 एंड डायमेंशन लेस प्रेशर ड्रॉप डी पी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू जीरो, ये डायमेंशनलेस नंबर जो हुआ ये वन होना चाहिए और डी पी डी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन स्टैंडर्ड नंबर डिवाइड बाय नसेट नंबर डिवाइड बाय पकलेट नंबर, ये मतलब कोरिलेशन है, देख सकते हैं आप। तो इसमें जो एजम्पन्स लिया गया रेनॉल्ड्स एनालॉजी में, इंटायर फ्लूइड इंटायर फ्लो फील्ड डिस्क्राइब बाय टर्बुलेंट कोर एंड इग्नोर्ड विस्कस एंड सब लेयर एंड बफर लेयर। नाउ द सेकेंड थिंग, न्यू एंड अल्फा आर वेरी वेरी लेस देन ई एम एंड ई एच इन टर्बुलेंट कोर। ई एम इज इक्वल टू ई एच इक्वल टू ई, दीज टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रेनॉल्ड्स पॉस्टुलेटेड दैट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी आर आइडेंटिकल, प्रांटल नंबर इज इक्वल टू वन। दिस आइडिया एक्सटेंडेड टू मास ट्रांसफर इफ स्मिथ नंबर इज इक्वल टू वन। तो फॉर लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इफ स्मिथ नंबर इज इक्वल टू वन, दिस इज द रिलेशन फॉर द मास ट्रांसफर। यू कैन सी वन मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, वन मार्क्स क्वेश्चन आस्ड आई गेस 2013 गेट, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट बट इट वॉज आस्ड। नाउ कमिंग टू द नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन, यहाँ पे गया दो केसेस दिखाए गए हैं, देख सकते हैं। हॉट वर्टिकल प्लेट प्लेस्ड इन अ स्टैग्नेंट कोल्ड फ्लूइड, जब आपका हार्ट कोई प्लेट है उसको स्टैग्नेंट कोल्ड फ्लूइड में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा आता है, आप देख सकते हैं। नाउ सेकेंड, इफ कोल्ड प्लेट इज प्लेस्ड इन अ हार्ट फ्लूइड तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा आता है। गॉट इट, कूल। नाउ आई विल मूव टू द 37th पॉइंट, हीट ट्रांसफर टू फ्लूइड विद द फेज चेंज। तो फेज चेंज में क्या होता है, एक फिल्म टाइप का होता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है। तो फिल्म और ड्रॉप वाइज, तो एक एक करके दोनों को हम देख लेते हैं। जो फिल्म है हाइड्रोफिलिक सरफेस होना चाहिए, फिल्म बनाने के लिए इसको क्या हुआ हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, मतलब इट शुड बी, मतलब उसमें सरफेस पे चिपक जाए ऐसा सरफेस होना चाहिए। हीट ट्रांसफर इन फिल्म इज ड्यू टू कंडक्शन, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा क्या होगा कंडक्शन होगा। बट इन ड्रॉप वाइज में क्या है हाइड्रोफोबिक सरफेस जो होगा आपका हाइड्रोफोबिक होगा, और इन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर इज मोर एंड 5 to 8 टाइम्स मोर देन द फिल्म टाइप कंडेंसेशन, इससे ज़्यादा होता है, 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा होता है इसमें हीट ट्रांसफर। तो एच एक्स का जो वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिल्म टाइप में, के बाय डेल्टा, डेल्टा क्या होगा आपका फिल्म थिकनेस हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट किया है, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सर्फेस रहेगा तो एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू होता है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही हो जाएगा माइनस टू, फेजेस क्या होगा आपका दो हो जाएगा प्लस टू तो वन। इन कंडेंसेशन प्रेशर इज जनरली केप्ट कॉन्स्टेंट सो आपका वन आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ वेरिएशन ऑफ बोथ एच एक्स एंड डेल्टा विद डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, तो ये जो डिस्टेंस दिखाया गया आपका वो डेल्टा है और एच एक्स क्या है हीट ट्रांसफर कॉफिशियन एट डिफरेंट पॉइंट्स अक्रॉस दिस प्लेट। तो एच इज फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा ऑब्वियसली, तो वन एच वन इज ग्रेटर देन एच टू इज ग्रेटर देन एच थ्री, एच वन एच टू एच थ्री, मतलब जब आपका ये डेल्टा है जब थिकनेस आपका कम है तो हीट ट्रांसफर आपका ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा। तो एच एवरेज जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एच एवरेज इक्वल टू 4/3 एच एक्स इक्वल टू वन। यू रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपने देखा ही होगा जो ये लेयर वाटर का बनेगा एक्चुअली दिस इज द रेजिस्टेंस। नाउ वेलोसिटी ऑफ फिल्म ओवर अ फ्लैट प्लेट यहाँ पे देखेंगे तो यू इक्वल टू रो जी कॉस बीटा डेल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पॉइंट टू म्यू वी बाय यू मैक्स, तो वी आपका जो टोटल ये वेलोसिटी होगा आपका एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा इज इक्वल टू 2/3 होगा इस वाले केस में, आपका इंक्लाइंड कोई प्लेट है और उसके ऊपर फ्री कोई लिक्विड मूव कर रहा है। तो फॉर वर्टिकल प्लेट और पाइप के लिए जो एच वी का रिलेशन दिया है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट निकालने के लिए ये रिलेशन दिया है, फॉर वर्टिकल पाइप के लिए ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। नाउ कंडेंसेट नंबर, जनरली कंडेंसेट लोडिंग इन वर्टिकल सिलेंडर इज मोर देन हॉरिजॉन्टल ट्यूब 10 टाइम्स, तो इन दोनों का फार्मूला ये दोनों दिया गया है और आप डिवाइड करेंगे एच वर्टिकल डिवाइड बाई एच हॉरिजॉन्टल तो आप वैल्यू जो पाएंगे 1.27 डी नॉट बाई एल टू द पावर 1/2। तो ये रिलेशन है इसका, केस दो केसेस में से ड्राइव किया है, एच वी इक्वल टू एच एच वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का हीट ट्रांसफर कोफिशियंट सेम होगा तो लेंथ इज इक्वल टू 2.85 टाइम्स ऑफ आउटर डायमीटर। इन केस इफ एल इज इक्वल टू 100 टाइम्स डायमीटर देन हीट ट्रांसफर अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 2.44 टाइम्स ऑफ एच वर्टिकल। नाउ 39 पॉइंट, इफ देयर आर एन ट्यूब्स, आपका ऐसा क्या है कंडेंसर डिजाइन में जो होता है एन ट्यूब्स ऐसा हो गया उसके ऊपर लिक्विड लोडिंग हो रहा है तो उसके उसमें जो एच एन की वैल्यू आएगा
टोटल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अक्रॉस द एन ट्यूब्स इक्वल टू एच वन डिवाइड बाई एन टू द पावर वन बाय फोर। तो मतलब क्या हुआ, एज द नंबर ऑफ ट्यूब्स आपका इंक्रीज करेगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका डिक्रीज करेगा, राइट। तो मतलब हीट ट्रांसफर आपका डिक्रीज होगा। नाउ हीट ट्रांसफर टू बॉइलिंग लिक्विड, दिस द 40th पॉइंट। दिस कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन सी ये कर्व है आपका हीट ट्रांसफर का। तो ए से जो बी का आपका रीजन आता है इसको क्या बोलते हैं, पूल बॉइलिंग। बी टू सी न्यूक्लियेट बॉइलिंग, सी टू डी न्यूक्लियेट, यहाँ पे बी टू सी क्या न्यूक्लियेट बॉइलिंग का इनिशिएशन होगा, स्टार्ट होगा, और सी टू डू क्या डी क्या होगा आपका न्यूक्लियेट बॉइलिंग, डी टू ई आपका है अनस्टेबल फिल्म बॉइलिंग एंड ई टू एफ फिल्म बॉइलिंग। देन आपका रेडिएशन ज़्यादा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका रेडिएशन कम्स इनटू द पिक्चर। सो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिफोर रेडिएशन कम्स इनटू द पिक्चर। तो क्यू कन्वेक्शन क्या होता है, अचानक यहाँ क्यू कन्वेक्शन डिक्रीज होने लगा है जब रेडिएशन आने वाला है पिक्चर में। तो दिस इज द कर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू रीड दिस कर्व इन डेप्थ। नाउ विल डिस्कस रेडिएशन 41 पॉइंट। तो रेडिएशन हम देखते हैं अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, वन अल्फा इज इक्वल टू वन, तो ई वी ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्मा टी द पावर फोर, यर अल्फा ऑब्जर्व टी इक्वल टू वन होता है। तो दिस इज ओमेगा वाट पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन। सो सिग्मा जो स्टीफन बोल्टजमैन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू जो कि है 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू द पावर 4। देन इमिसिविटी, इस इमिसिविटी डिस्कस करते हैं। इमिसिविटी क्या है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी टू दैट, सॉरी, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू दैट ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो दोनों का जो इमिसिव पावर का रेडिएशन होता है, एक ऑब्जेक्ट बॉडी है और दूसरा ब्लैक बॉडी, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इमिसिविटी होता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन है, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू वन। अल्फा क्या यहाँ पे एब्जॉर्बिविटी है, प्लस रो क्या रिफ्लेक्टिविटी है, और टाउ ट्रांसमिटिविटी है। तो यहाँ पे आप देखते इंसिडेंट, कोई रे इंसिडेंट होता है तो ये क्या हो गया, रो आपका ट्रांसमिटिविटी हो गया, अल्फा क्या जो ऑब्जर्व हुआ ऑब्जॉर्बिविटी हो गया, और टाउ सॉरी रो रिफ्लेक्टिविटी हो गया, और यहाँ पे टाउ ट्रांसमिटिविटी हो, मतलब ये अपना ग्लास या किसी ऑब्जेक्ट से क्रॉस कर गया, पार कर गया है। तो जो ऑपेक ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, अपारदर्शी, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे जीरो हो गया, तो अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू वन हो जाएगा वहाँ पे। नाउ विल सी स्टीफन बोल्टजमैन लॉ, ये क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो स्टीफन बोल्टजमैन पावर के अकॉर्डिंग जो आपका इमिसिव पावर है वो टी द पावर फोर के प्रोपोर्शनल होगा। नाउ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये क्या बोलता है, लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 2.9 mm केल्विन। तो क्या है, ये दोनों लेमडा वन मैक्स ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो लेमडा मैक्स वन टी वन इज इक्वल टू लेमडा मैक्स टी टू इंटू टी टू, ये हो गया, ये रिलेशन फॉलो करता है। मतलब अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होना ही तय है। तो लेमडा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय टी, दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देन किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, रेशियो ऑफ टोटल रेडिएटिंग पावर ऑफ एनी बॉडी टू इट्स एब्जॉर्बिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यू कैन सी हियर, जो इसका इमिसिव पावर है उसका एब्जॉर्बिविटी डिवाइड बाई एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई अल्फा टू, तो ये रेशियो हमेशा फॉलो करेगा। देन ग्रे बॉडी, तो ग्रे बॉडी क्या आपका अल्फा इक्वल टू जो एब्जॉर्बिविटी है इज इक्वल टू इमिसिविटी होगा, जितना ऑब्जॉर्व करेगा उतना इमिट करेगा, इट शुड बी लेस देन वन। नाउ सेकेंड फॉर ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी क्या होता है, जितना ऑब्जॉर्व करेगा उतना वो इमिट कर देगा, तो अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इमिसिविटी इज इक्वल टू वन। तो ये ब्लैक बॉडी का केस है, ये ग्रे बॉडी का केस है। नाउ अनदर केस यू कैन सी, एनी बॉडी प्लेस इन अ ब्लैक बॉडी एटमोसफियर कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रे बॉडी। नाउ इनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू सर्फेसेज,
तो यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू सर्फेसेज में क्या तीन केसेस हैं, टू ब्लैक सर्फेस के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, टू ग्रे सर्फेस के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, नॉर्मल बॉडी सराउंडेड बाय ब्लैक बॉडी सर्फेस के बीच में क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो जो टोटल एनर्जी एक्सचेंज होगा उसका फार्मूला ये दिया गया है क्यू वन टू इजकल टू सिग्मा ऑफ एफ वन टू, ये व्यू फैक्टर है, ए वन इंटू टी वन टू द पावर एच टू द पावर फोर माइनस सिग्मा एफ वन टू ए वन टी टू द पावर फोर। तो ये टोटल आपका फार्मूला होगा किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पे टू ब्लैक सर्फेसेस इनफिनाइट पैरेलल प्लेन्स के बीच में टू ब्लैक सर्फेस है, तो क्या होगा आपका एफ वन 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 टू इजक्ल टू एफ टू वन इजक्ल टू वन हो जाएगा। तो इस केस में ए वन इजक्ल टू ए टू हो जाएगा, तो आपका जो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे क्यू वन टू डिवाइड बाई ए इजक्ल टू सिग्मा टी वन टू द पावर फोर माइनस टी टू द पावर फोर। नाउ द सेकेंड केस इज वन ब्लैक बॉडी सराउंडेड बाई अनदर ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी है तो मतलब आपका एफ वन वन इजक्ल टू जीरो हो जाएगा, देन एफ वन वन प्लस एफ वन टू इजक्ल टू वन, इन दैट केस एफ वन टू इजक्ल टू वन। तो यहाँ पे तो एक फार्मूला डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे जो मेन फार्मूला है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू एफ वन वन है, बट एफ विथ रिस्पेक्ट टू एफ टू वन ये फार्मूला आपका आएगा। नाउ सेकेंड, नाउ टू ग्रे सर्फेसेस, अभी क्या ब्लैक सर्फेस का देखा, टू ग्रे सर्फेस, तो टू ग्रे सर्फेस में आप देखेंगे दो टेम्परेचर ई वी वन ए वी टू, ये क्या ब्लैक बॉडी है, दो इमिसिव पावर इतना है, बीच में दोनों के बीच में जंक्शन बना है, तो इसका रेजिस्टेंस वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन वन ए वन, इसका रेजिस्टेंस वन अपॉन ए वन एफ वन टू, इसका वन माइनस एप्सिलॉन टू डिवाइड बाय एप्सिलॉन टू ए टू, ये आ गया। तो जो ग्रे बॉडी के एक्सचेंज जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो आएगा आपका सिग्मा टी वन टू द पावर फोर माइनस टी टू द पावर फोर, ये सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो ये एक्चुअली अपना क्यू नेट आ गया है टू ग्रे सरफेस के बीच में। नाउ टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो आप यहाँ पे देख लेंगे एफ वन टू ए वन इक्वल टू एफ टू वन ए टू, एफ वन टू इक्वल टू एफ टू वन, देन एफ वन वन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जितना वो रिफ्लेक्ट करेगा एब्जॉर्ब खुद से नहीं कर पाएगा पोर्सन, तो एफ ऑफ वन टू इक्वल टू वन। तो ये वैल्यू अगर उसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारा इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलेगा। तो इफ़ वी सॉल्व दिट विल गेट दिस रिलेशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये रिलेशन आप याद कर लेना क्योंकि गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, याद नहीं करोगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। नाउ रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन सिलेंड्रिकल सर्फेस, सिलेंड्रिकल सर्फेस होगा तो उसके बीच में, तो एफ वन वन तो जीरो होगा, जितना रिफ्लेक्ट करेगा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कोई भी पोर्सन, एफ ऑफ वन टू जितना ये रिफ्लेक्ट करेगा दूसरा कितना ऑब्जर्व करेगा इक्वल टू वन, कितनी जितना भी ये रिफ्लेक्ट करेगा सराउंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू है, तो ये एफ वन टू इक्वल टू वन आ जाएगा। तो उस केस में आपका ये फार्मूला यहाँ पे जो दिया है ये आपका यहाँ पे इतना ये रिलेशन आ जाएगा। नाउ नॉर्मल बॉडी सराउंडेड बाय ब्लैक बॉडी, उस केस में अगर देखेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो, क्यू इन माइनस क्यू आउट, तो क्यू इन कितना हो जाएगा आपका, ये आपका क्यू क्यू इन हो जाएगा और ये आपका क्यू आउट हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव फैक्टर लगा देंगे यहाँ पे अल्फा, तो क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो गया जितना, आउट इमिसिबिलिटी का हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल नॉर्मल बॉडी जो सराउंडेड बाय ब्लैक बॉडी के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा ये इतना होगा। नाउ विल डिस्कस इवेपोरेटर्स पॉइंट नंबर 43, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ केजी ऑफ वाटर वेपराइज्ड पर आवर, तो मतलब कैपेसिटी क्या है, कितना केजी ऑफ वाटर आपका वेपराइज होगा, मतलब हाउ मच वाटर इज रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो आपका कैपेसिटी होगा। इकोनॉमी क्या होगा, नंबर ऑफ केजी ऑफ वाटर वेपराइज्ड पर केजी ऑफ स्टीम फेड, मतलब कितना वेपर आपने वेपराइज कर लिया है एक केजी स्टीम से, वन केजी सपोज आपने स्टीम फेड किया वहाँ से आप यूज़ करके 250 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो इकोनॉमी हो जाएगा। अभी 2018 जो गेट आपने दिया इस देखा होगा ये कोई इसके ऊपर वन मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्टली, सो दीज आर द टर्म्स ओनली बट यू नीड टू नो, लाइक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें। नाउ सेकेंड थिंग स्टीम कंजप्शन, स्टीम कंजप्शन इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइड बाई इकोनॉमी सी बाई ई।
For single effective evaporator E less than 1, but in multiple effective evaporator it may be greater than 1. तो सिंगल ऑफ ऑब्वियसली 1 kg एक सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर है, 1 kg स्टीम डालोगे तो 1 kg से ज़्यादा तो स्टीम आएगा नहीं, लेकिन मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में क्या होता है, उससे 1 kg डालने से उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है क्योंकि कई स्टेजेस होते हैं। तो इकोनॉमी अनदर टर्म है आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, वही है मतलब kg ऑफ लिक्विड इवेपोरेटर डिवाइड बाय kg ऑफ स्टीम यूज। तो ये आप देख सकते हैं डेरिवेशन टाइप का दिया हुआ है, इवेपोरेटर का सिंपल सा, ये स्टीम फेड किया जा रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ से, ये फीड है, ये प्रोडक्ट है, और ये मास ऑफ kg ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे हम तो क्या होगा, जो फीड है इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस mb, इस वाले केस में देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या यही है। दूसरा सॉलिड बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एफ इक्वल टू पी ऑफ एक्स बी, क्योंकि यहाँ पे वेपर आता है, तो ये भी क्लियर हो गया। H2O बैलेंस करेंगे तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स एफ, वाटर कितना है सॉलिड को हटा दो इतना, पी वन माइनस एक्स बी प्लस mb, तो ये आपका H2O बैलेंस हो गया। तो कैपेसिटी mb, कैपेसिटी क्या होगा, कितना kg ऑफ वाटर हमारा इवेपोरेट हुआ, वही तो हमारा कैपेसिटी हो गया mb। इकोनॉमी क्या हो गया, mb बाय ms, मतलब हमारा इतना इवेपोरेट हुआ और स्टीम फेड कितना किया ms, तो ये रिलेशन आ गया। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट, तो सिंपल है, आपके ऊपर ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं गेट में, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो सॉल्व नहीं लगते हैं। स्टीम कंजप्शन क्या होगा, सी बाई ई, सी क्या आपका एम बी डिवाइड बाई एम बी टू ms, अगेन ms आ गया आप देखोगे तो सी बाई ई करोगे तो सिंपलली क्या है आपका ms ही आपका स्टीम कंजप्शन है। तो कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटी डिवाइड बाई इकोनॉमी करेंगे तो आपको आ जाएगा। नो मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर में क्या, फीड यहाँ से दिया, जो वेपर प्राइज हुआ उसी का यूज करके हम अगेन उस वाले फीड को हीट करते हैं, तो इसी कारण आपका कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी जो आपका इकोनॉमी ज़्यादा हो जाता है, आगे 1 kg स्टीम दिया फिर इसी का हीट करके हम उसको ऑपरेट कर दे रहे, तो 1 kg से ज़्यादा हमारा स्टीम आ सकता है मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में। तो 45 पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं। नाउ विल डिस्कस इफेक्टिवनेस ऑफ NTU मेथड। NTU मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड, तो इसमें इफेक्टिवनेस जो आता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। तो ये अनदर टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा टी मिनिमम फ्लूइड डिवाइड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इन हीट एक्सचेंजर। तो ये उसका ग्राफ दिया हुआ है समझाने के लिए, ये दोनों ग्राफ हो गया, मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ T1 हो जाएगा, मिनिमम क्या आ जाएगा यहाँ पे T2 T1 ही आ जाएगा। तो हियर कोल्ड फ्लूड अटेंस द मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे कोल्ड फ्लूड, दिस कैन बी अचीव इन केस ऑफ एरिया इज इन्फिनिटी, ये भी कभी आएगा, हार्ड टेम्परेचर जो आपका कोल्ड पे आ जाता है एकदम, तो ये कभी अचीव होगा जब एरिया इन्फाइनाइट होगा, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इन बोथ द केसेस टेम्परेचर ड्रॉप इज T1 - T1, तो टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा T1 - T1 टोटल, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम हो गया, और ये MCP हीट कैपेसिटी है। तो एक केसेस अलग से एग्जांपल के लिए दिया है, MCP अगर 10 है पहला, दूसरा MCP 20 है, तो टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीजेस बाय क्या होगा, यहाँ पे 100 जूल आपको लेना है तो 10 होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 5 और कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मतलब आप क्या समझते हैं, फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर डेल्टा टी मैक्स MCP विल बी मिनिमम, अगर डेल्टा मैक्स आपका क्या होता है आपका ज़्यादा होगा तो MCP आपका मिनिमम होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज हियर। तो क्यू मैक्स आइडियल इक्वल टू क्यू MCP मिनिमम T1 - T1, अगर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर निकालना है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा कर देंगे और MCP आपका मिनिमम होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस फैक्टर हमने देखा है एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। तो इफ MCPH इज लेस देन MCPC कोल्ड, हार्ड फ्लूड का जो कम है और ये लेस है MCPC से, तो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कब होगा, जिसका कम है तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से लेंगे और ऊपर वाले का MCPH T1 - T2 करके ऐसा, तो ये रिलेशन आपका जाएगा इफेक्टिवनेस फैक्टर। बट सेकेंड केस में अगर MCPH हार्ड का ज़्यादा है MCPC कोल्ड का, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर ये आएगा, और सी को आप टोटल हीट को इस तरह लिख सकते हैं, तो इफेक्टिवनेस इस आप जो टोटल इफेक्टिवनेस आएगा ये वैल्यू आ जाएगा।
नाउ कैपेसिटी रेशियो. कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? एम सी पी स्मॉल डिवाइड बाई एम सी पी लार्ज. नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स क्या होता है? एन टी इक्वल टू ई ए बाई एम सी पी मिनिमम. तो एम सी पी जो मिनिमम है ई ए को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट आ जाएगा. तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू ए. आपका नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट ज़्यादा होगा तो ए की वैल्यू एरिया ज़्यादा होगा. नाउ विल गो टू द इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ये आपका ई पैरेलल दिया काउंटर फ्लो के लिए, ये आपका वैल्यू आएगा. इनकेस इफ सी जीरो तो वह आएगा ई पैरेलल के लिए और ये ई पैरेलल ई काउंटर के लिए दोनों क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा. बट इफ सी इज इक्वल टू वन देन ई पैरेलल का वैल्यू ये आ जाएगा और ई काउंटर का वैल्यू ये आ जाएगा फॉर ऑल हीट एक्सचेंजर. अगर सी जीरो है ना तो इसका इफेक्टिवनेस हमेशा कितना आएगा? वन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ एन टी यू ये आ जाएगा आपका. नाउ 48th पॉइंट, ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसको, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. पॉज करके ये वीडियो देख लीजिए, इट इज दिस वन इज सेल्फ एक्सप्लेन नाइसली. नाउ विल मूव टू द 49th पॉइंट, इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर अ स्क्वायर पिच अरेंजमेंट. तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं डराइव किया हुआ है. तो ये फॉर 60 डिग्री ट्रेंगुलर पिच के लिए ये आ जाएगा डी इजकल टू 4 टाइम्स ऑफ आर एच होता है जनरली. तो ये एक्चुअली में वैल्यू हमारा आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे. नाउ 50th पॉइंट क्या है? हीट एक्सचेंज बिटवीन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स. एक्चुअली में लास्ट में कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन पूछा गया तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख दिया है. तो ये एक्चुअली में हो गया फर्स्ट एंड थर्ड इन्फिनाइट पैरेलल प्लेट्स रेडिएशन. इसमें रेडिएशन शील्ड अगर डाल दिया है तो उसके हिसाब से आपका हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं F12 F21 इक्वल टू वन, ये जीरो वैल्यू हो गया विदाउट रेडिएशन शील्ड. ये हो गया इफ इप्सिलॉन 1 इक्वल टू इप्सिलॉन 2 ये वैल्यू डालेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा. विथ रेडिएशन शील्ड से कैसा आएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगा हमारा. तो दोनों का रेशियो 0.05 ऐसा आ गया है. कुल ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये 51 नंबर का पॉइंट है. 52 इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ एनुलस, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट ट्रांसफ़र शॉर्ट नोट्स. आप क्विक रिवीजन के लिए आई गेस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लग रहा है कि 1 आवर का वीडियो बन गया, कोशिश किया था हाफ एन आवर बनाने का. अब अगर आपको नहीं समझ में आ गया इसमें से कोई चीज़ तो आप कमेंट कीजिएगा, आई टेक अप द सोल्यूशन विद द एक्सप्लेनेशन. कोई टॉपिक नहीं समझ उसको कमेंट करेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन या उस टॉपिक को अच्छे से कवर करके उसका वीडियो बना के मैं डाल दिया करूँगा. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.